पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के कानून मंत्री मलय घटक के 6 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। छापेमारी कोयला आवंटन घोटाले से संबंधित मामले में की गई है। मलय को ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में गिना जाता है। सीबीआई कोलकाता और असनसोल समेत करीब 6 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें मलय घटक के भाई अभिजीत घटक का भी ठिकाना शामिल है। वहीं ईडी भी जांच के सिलसिले में मलय घटक से पूछताछ कर रही है। दरअसल बंगाल के पश्चिमी हिस्सों में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड कई खदानें चलाती है और पिछले कई सालों से अवैध रूप से खनन किए गए कोयले को काला बाजार में बेचने का आरोप है। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि मलय का नाम कोयला तस्करी मामले में सामने आया है और हमें यह जानने की जरूरत है कि उसमें उनकी भूमिका क्या रही। सीबीआई अधिकारी का कहना है कि उनके पास घोटाले में घटक के शामिल होने के पर्याप्त सबूत भी हैं। आपको बताते चलें कि 2020 में दर्ज मुकदमों के बाद से टीएमसी के तमाम बड़े नेता सीबीआई और ईडी की रडार पर हैं। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें द लीगल ऑब्जर्वर।